अंदर ही। By the way, you are late. मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भाभी से मिलता हूँ, बट उन्हें कुछ काम था। I'm really sorry, निशा जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। It's okay. चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्टूडेंट से मिलवा देती। स्टूडेंट? Yes, my niece. काव्या, बेटा इधर आना, किसी से मिलवाना है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा वेल एजुकेटेड लड़का ऐसे सड़कों पर अपनी लाइफ बर्बाद करे। आई रियली वॉन्ट कि तुम कुछ अच्छा करो। अरे पर मैंने आज तक कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। तो इसे एक नई शुरुआत समझो। हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें और स्टूडेंट्स मिले और फिर तो तुम्हें रिक्शा भी नहीं चलानी पड़ेगी। सोचो। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना। लेकिन लेकिन क्या? On, यार, you are a bloody engineer. कहाँ इसको यूज करोगे? हाँ, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्ची को मैथ्स पढ़ाने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा? देखो, अगर ये डिग्री फेक है तो बात अलग है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आली, so this is my niece काव्या. और काव्या, ये कुंदन सर है। कुंदन सर को हेलो बोलो। हेलो सर। हाय बेटा, अब इतनी प्यारी बच्ची को पढ़ाने से कैसे मना कर सकता हूँ? हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, थैंक यू। सो काव्या, अब से आपको कुंदन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ओके? और सारे क्वेश्चन ना इनसे पूछना, मुझसे नहीं, मेरा पीछा छोड़ना, ओके? अब सर खाओगे तो इनका, मेरा नहीं। डन। डन? यू बी कंफर्टेबल। ओके। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा। So, काव्या, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स? अरे वाह, फिर तो हमारी बनेगी। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? पार्टी चल रही है। अकलमंद लोग ऑफिस नहीं जाते, दूर से काम को संभाल लेते हैं। हाँ, जैसे तुमने अपने पार्टनर का बिजनेस और उसकी वाइफ दोनों संभाल रखे। इसलिए तो बिजनेस को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया अपने दिमाग के दम पर। लेकिन क्या है कि इंसान का लालच आधे में खत्म नहीं होता, उसको पूरा चाहिए, पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, पूरी तुम। अब बांटा नहीं जाता, सब चाहिए, सब। आज वाइन का नशा नहीं होगा, तुम अपने हाथ से पिला, शायद असर कर जाए। अब असर होगा, वो भी डबल, शराब का भी और शबाब का भी। कुंदन, तुम यहाँ? और ये रिक्शा, तुम फिर से रिक्शा चलाने लग गए? ट्यूशन तो पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब तो ये रिक्शा ही है। आइए बैठिए ना, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। देखो, रिक्शा में तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पे चलाने दूंगी, अगर तुम रिक्शा सिर्फ मुझे ऑफिस से लाने और ले जाने के लिए चलाओगे। आपने मेरी रिक्शा को भी पार्ट टाइम जॉब बना दिया। आइए बैठिए ना।
निशा जी, वो काव्या के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा मुझे लेट हो गया। आप, अब मैं निकलता हूँ। कुंदन, मुझे ना ये बल्ब चेक करना था, चल नहीं रहा है। घर पे कोई नहीं है, तो क्या तुम प्लीज ये स्टूल पकड़ लोगे? भाभी, वो बारिश होने वाली थी तो मैंने छत से कपड़े निकाल लिए। सच में साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो मैं कभी साड़ी पहनती नहीं, बट निशा, निशा, लगता है हमारी ही लाइट गई है। जरूर एमसीबी डाउन हुआ होगा, जरा चेक कर लेना। जी भाभी। कुंदन, बहुत अंधेरा है, जरा निशा की हेल्प कर दो। जी भाभी, मैं आता हूँ बेटा, ठीक है? बेटा, बहुत अंधेरा है, चलो अंदर बैठते हैं। आ जाओ। कुंदन, भाभी ने मदद के लिए भेजा है। ओ, आ जाओ। रुको, क्या ढूंढ रही हो तुम? एक्चुअली मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। से क्यों पूछ रहे हो बेटा? अपने ट्यूशन टीचर से पूछो ना। कौन से सर से पूछूं? दो दिन से नहीं आ रहे। जब तक सर नहीं आएंगे तब तक मेरा होमवर्क कौन कराएगा? प्लीज बुआ, हेल्प कर दो ना।
काव्या सेम ही तो क्वेश्चंस है सारे, इसके आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कितनी बार आप मुझसे पूछोगे, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी भी घंटी बज गई ना। तुझे भी उसने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना। उस जैसी कैरेक्टर लेस लड़की की जिंदगी में तुझ जैसे कैरेक्टर हर रोज आते, क्योंकि तुझ जैसे लड़के उसकी मासूम शक्ल देखकर और उसका फिगर देखकर उसकी बातों में आ जाते। उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था, हो सकता है कल तुझे थप्पड़ पड़ गए। मुझसे हाथ मिला ले, हम दोनों मिलकर उस अपनी बेइज्जती का बदला ले। राइंदा निशा के बारे में कुछ बोला ना उल्टा सीधा तो ये हाथ किसी से मिलाने लायक नहीं रहेंगे। चल! निशा, निशा प्लीज दरवाजा खोलो, निशा प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो निशा, निशा प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। काव्या अंदर है, मैं उसे भेज देती हूँ, आप ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा। निशा, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस रात जो भी हमारे बीच हुआ वो हम दोनों की मर्जी थी। जितना मैं चाहता था उतना ही तुम भी चाहती थी, तो फिर क्यों ऐसे बिहेव करी हो जैसे हमने कुछ गलत किया हो? निशा, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं,
हाँ जी हेलो सो कल जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का बारे हो हाँ मैं आता हूँ मैं घर पर अकेली हूँ ओके मैं आता हूँ ओके काम निशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है भाभी प्लीज आज नहीं आज बहुत थक गई हूँ निशा सुना नहीं तुम्हारी भाभी ने क्या कहा काव्या बेटा तुम अपने कमरे में जाओ यहाँ वो सब छोड़ो निशा ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम और वो लड़का क्या नाम है उसका कुंदन तुम ऐसा कुछ करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था शीशी मुझे तो सोच के भी शर्म आती एक बार भी तूने नहीं सोचा दुनिया क्या सोचेगी क्या समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता निशा ये तो अच्छा हुआ शिखा को पता चल गया तुम दोनों के बारे में और इसने मुझे फौरन यहाँ बुला दिया कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता मैं तो जीते जी मर जाता भैया भैया कुंदन और मैं एक दूसरे से बस करो निशा अगर प्यार होता तो सामने आके बोलती इस तरह चोरी छुप के बेशर्मों की तरह निशा इसे प्यार नहीं कहते हैं ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है जब तुम उस बेहूदे लौंडे जय के साथ थी लेकिन नहीं उस वक्त हम दोनों दुश्मन थे तुम्हारे निशा मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगा जिस वक्त मैंने जय के लिए कहा था तुम्हें भैया कुंदन वैसा लड़का नहीं है आप एक बार उससे निशा अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता देखो निशा हम तुमसे प्यार करते हैं तुम्हारी फिक्र करते हैं इसलिए डरते हैं कि कहीं कोई गलत ना हो जाए तुम्हारे साथ इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी हो जाए और इसलिए हमने एक लड़का भी देखा है बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मेरे पार्टनर भी हैं अब बांटा नहीं जाता सब चाहिए पूरा बिजनेस पूरा पैसा पूरी तुम वो तुम्हें पसंद करते हैं तुमसे शादी करना चाहते हैं मैं उन्हें अगले महीने बुला रहा था लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं उन्हें कल बुला रहा हूँ तो उनसे मिलो बात करो और शादी करो और इस बार मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रहा हूँ ये मेरा फैसला है और आखिरी फैसला है